हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है हमारा टारगेट डे 13। कहने का मतलब हमें 13 दिन हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा क्या चाहता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर बताएं कि आपने जो सबसे पहले दिन टेस्ट दिया था उसके बाद से अब तक जो टेस्ट दे रहे हो, क्या ये जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है इसमें से क्वेश्चंस फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी भी न्यू स्टूडेंट ने अगर प्लेलिस्ट देखी है 18 वीडियोज़ की, उसके बाद से वो लगातार हमारे टारगेट्स फॉलो कर रहा है और जो भी कंटेंट हम लोग दे रहे हैं अगर उस कंटेंट को वो शिद्दत के साथ पूरा कर रहा है, जिस तरह से दो दिन हम लोग रिवीजन के लिए दे रहे हैं, एनालिसिस के लिए दे रहे हैं, अगर वो अच्छे से रिवीजन कर रहा है, अच्छे से एनालिसिस कर रहा है, तो किसी का बाप शायद ही सिलेक्शन रोक पाए। मैं इस चीज की नहीं कह रहा हूं मार्क्स बढ़ने को, मैं कह रहा हूं सिलेक्शन रोक पाए, ठीक है, क्योंकि इस कंटेंट में इतना दम है। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर बताना कि जो आपने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया था और अभी आप लोग जो टेस्ट दे रहे हो, क्या आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा। सही कह रहा हूं ना, यह मस्ती तो नहीं करते रहते हो तुम लोग, क्यों भाई? मैं अब सामने से तो आप लोगों को देख नहीं पाता हूं कि आप कर क्या रहे हो, लेकिन उम्मीद यही रहती है कि जिस तरह से मैं सोचता हूं, जिस तरह से मैं आप लोगों को पूरे दिन व्यस्त रखता हूं, मैं जानबूझ के आप लोगों को टारगेट देता हूं टाइम टाइम पे, ठीक है, कि आप पूरे दिन बिजी रह सको, ठीक है। अब बाकी तो आपकी मर्जी है, रजाई में बाकी काम भी होते हैं। क्या काम होते हैं? ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूं, मतलब रजाई में देखो इस टाइम पे पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहोगे तो, ठीक है। बाकी काम से मतलब तो मेरा मोबाइल चलाने से, बहुत इधर उधर दिमाग चलाते हो तुम लोग, ठीक है। अबे मैं भी शादीशुदा नहीं हूं भैया, ठीक है, तो मेरी सोच इधर उधर नहीं जाती है, सब आपकी तरह ही सोच है मेरी भी, मेरे सामने भी सिर्फ किताबें हैं, कोई और नहीं है। आपके लिए मैं कह रहा था कि बाकी काम होते हैं, मतलब पूरे पूरे दिन बच्चे रजाई में पड़े रह के अंदर वेब सीरीज कंप्लीट कर रहे होते हैं। यहां पे आपको वेब सीरीज कंप्लीट नहीं करनी है, आपको क्या करना है, टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। समझ आ गई ना? ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं आज के जो टारगेट्स हैं। और देखो टारगेट्स के में मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल पाता हूं मैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। भाई साहब डेली आप लोग उठा के देख लो टारगेट्स, डेली का टारगेट, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, आप डेली टारगेट उठा के देख लो, एक से दो नंबर, दो से तीन नंबर का टारगेट डेली होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई बच्चा टारगेट पूरे कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट ना दिखे। तो प्लीज जरूर से जरूर फॉलो करना और रजाई में टारगेट्स कंप्लीट करना, ठीक है, वेब सीरीज कंप्लीट नहीं करनी है। और ये टाइम वेब सीरीज, आईपीएल, इन सब चीजों के लिए नहीं है, ये जिंदगी भर चलेंगी वेब सीरीज, लेकिन आपकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने टाइम बचा है, इसके बाद आप लोगों के पास टाइम नहीं है। और मैं आप लोगों को सच सच बताऊं, कम से कम 2 से 3 हजार तक की तो मैं बुक्स मंगवा चुका हूं आप लोगों के लिए जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी क्वेश्चन छूट जाए। आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कंप्लीट कराना चाहता हूं। और ये जो सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, इसकी आपको इस टाइम पे वैल्यू समझ नहीं आ रही है। इतनी ज्यादा गंदी नियत के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं ना, बंदा कह रहा है कि सर मैं इसलिए शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा। भाई फिर ग्रुप डी में ही सिलेक्शन ले पाओगे, ऊपर ना उठ पाओगे अगर इस तरह की सोच रखी तो, ठीक है, सोच थोड़ा इंप्रूव कर लो तो शायद भगवान भी और इंप्रूव करने की ओर लेके चले आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी अगर नियत साफ है, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो, आप उस बंदे को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हो जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जिसकी आप सारी चीजों से हेल्प ले रहे हो, लेकिन उसी बंदे को आप सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हो। चलो फिर देखते हैं आज के टारगेट्स क्या क्या रखे गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने आपको जनवरी फरवरी के इंपोर्टेंट डेज बता दिए थे, क्योंकि मेरा मानना हमेशा से रहता है कि एक बार में अगर मैं सारे इंपोर्टेंट डेज बता दूं तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने जनवरी फरवरी पहले एक साथ कराया, फिर मैंने मार्च अप्रैल कराया, आज आपका दिन है मई जून के इंपोर्टेंट डेज। मैं मार्क करके दे दूंगा, सिर्फ वही डेज याद करने हैं जो इंपोर्टेंट आपको बताए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे डेज होते हैं, आप याद ही करते रह जाओगे उस चीज को, ठीक है। तो फिलहाल ये बात हो गई, बैटरी भी जाने वाली है, चलिए बात करते हैं। तो स्टैटिक जीके में मैंने नीति आयोग, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है,
अच्छा एक क्वेश्चन बता देना, चलो पूछ लेते हैं क्या, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जरूर जरूर बताना, ठीक है। और नीति आयोग ने कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, काफी अच्छी खासी संस्था है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसने कुछ रिपोर्ट्स जारी करी हैं अभी लेटेस्ट, तो वो वाली रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वहां से सारी चीजें पता चल जाएंगी। बात अगला एक पेज है साइंस एंड टेक का, ये करंट का पेज है, किस चीज का, करंट अफेयर्स का पेज है, तो ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, आप लोग टेलीग्राम पे जरूर से जरूर देख लेना, साइंस एंड टेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब वो तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पुरस्कार हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या चीजें याद करनी है ये आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो आप इतने सारे प्लेयर याद करेंगे कोई फायदा है नहीं। फिर भी मैं बता रहा हूं, प्लेयर जो, जैसे मान लो किसी चीज को अर्जुन अवार्ड मिला, मान लो कोई प्लेयर है उसे अर्जुन अवार्ड मिला या द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, ठीक है, प्लेयर को तो नहीं मिलेगा, वो तो कोच को मिलेगा, चलो ठीक है, जो भी है, किसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बहुत बड़े खिलाड़ी को मिला होगा, तो आपको उस खिलाड़ी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ आ गई। और बाकी आप खिलाड़ी अगर पढ़ोगे तो आपका डबल बेनिफिट है, क्योंकि एक टॉपिक आता है खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं, खिलाड़ी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज उस क्वेश्चन को भी आप टिकल कर पाएंगे अगर आप लोगों ने ये सारे के सारे बहुत अच्छे से पढ़ लिए। तो बच्चे कह रहे हैं याद नहीं हो पा रहा है, देखो याद ना होने के दो रीजंस हैं, एक तो आप ये सोचते हो कि आपने लिख लिया तो आपका याद हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, किसी के साथ नहीं होता भाई, याद करने का कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि साहब ऐसे याद हो जाएगा, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूं इवनिंग में और मॉर्निंग में जो चीजें आप लिखते हो उन चीजों को याद करने की, लर्न करने की कोशिश किया करो, आधे से एक घंटा अगर आप डेली इस काम के लिए दे देते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, तो आप मान के चलिए कि बहुत सारी चीजें बार बार पढ़नी पड़ती हैं यार, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। जैसे मान लो आपने, मैंने पढ़ाया 2020-21 में पहला कि कौन कौन सी चीज पहली बार हुई है, तो उसे बार बार पढ़ो, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने आंसर पड़ा हुआ होगा आप टिक कर दोगे, मार्क कर दोगे उस चीज को, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मेरे पास कोई ट्रिक है, हार्ड एंड फास्ट रूल है कोई कि एकदम से याद हो जाएगा, याद बस बार बार लिखने से, बार बार पढ़ने से तभी होगा, तभी मैं रिविजन के लिए टाइम देता हूं, तो उस चीज को अच्छे से रिवाइज किया करो। 16 टोक्यो ओलंपिक मैंने बताया है, टोक्यो ओलंपिक में जैसे टोक्यो ओलंपिक आप लोगों ने कर लिया है, ये पैरा ओलंपिक करना है, ठीक है, ये पैरा ओलंपिक करना है क्योंकि ओलंपिक वाला कंप्लीट करवा चुके हैं। इसके अलावा जैन धर्मा मैंने पहले दे दिया था आपको, लेकिन इसका कंटेंट नहीं गया था, तो अब कंटेंट चला जाएगा जैन धर्मा का, ठीक है। जैन धर्म, महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गौतम बुद्ध वाला आप लोगों को प्रोवाइड करवाई दिया है, कम कम पढ़ना है क्योंकि बस अगर एनिशियंट की बात करें तो हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे मेडिवल में बात करेंगे तो उसके अंदर हमारा बच्चे पूछ रहे होंगे क्या, ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ मुगल वाला जो पोर्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। साइंस में अगर मैं बात करूं तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये वाला जो चैप्टर है इससे आपको बस इतनी चीजें पूछी जाती हैं कि भाई फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है, मतलब पता होना चाहिए बस आप लोगों को, या किस चीज की डायरेक्शन बताता है वो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या चीज काम करती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया है, समझ आ गई, और जनरेटर की खोज किसने की है, विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलती है, जनरेटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में आपके आते हैं, तो प्लीज इस चैप्टर को जरूर से जरूर देख लें, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और ये वैसे जो मैंने आपको वीडियो सजेस्ट की थी उसके अंदर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये तो बस एनसीईआरटी से आपको एक बार रिवीजन मारना है इस चीज का। ऊर्जा के सोर्सेज, ये आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करना है, 14वां चैप्टर है, इसके अंदर बहुत कुछ नहीं है, सोलर पैनल से रिलेटेड थोड़ी चीजें दे रखी हैं कि सोलर पैनल किस चीज के बने होते हैं, वही सिलिकॉन जर्मेनियम वाला सीन है, बाकी इसके अंदर कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इतना सा ही है। देखो दो तरह के टीचर्स हैं, एक कहेगा अरे इतना सारा टारगेट कैसे कंप्लीट करेगा, और एक कहेगा ये तो चार घंटे का खेल है, चार घंटे में इसको कंप्लीट करो, बाकी जो टाइम बता उसमें इसी चीज को बार बार रिवाइज करो, तब आप सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो भाई सपोर्ट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लेक्चर्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही सब कुछ कराता रहूं, ठीक है, प्लीज आप लोग थोड़ा सोचिए यार, मतलब कुछ भी
और आज आज की बात है, इसके बाद एक कल कल के दिन का टारगेट मिलेगा, बस टारगेट खत्म, फिर आप लोगों को दो दिन रिवीजन करना है, तो काहे टेंशन ले रहे हो बे। ये बस मजाक में बोल दिया, ठीक है। घातांक एवं करणी, ये वाला जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, और ये चैप्टर हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, प्लस प्रीवियस ईयर करना है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए पाइप एंड सिस्टर्न है, और आप लोगों को पता होना चाहिए पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क बोथ आर द सेम, चैप्टर्स ही सेम है, मतलब एक तरह से ऐसे ही वो कहता है कि ए टंकी इतने दिन में भरती है, बी इतने दिन में भरती है, सेम वही कहता है कि ए इतने दिनों में काम करता है, बी इतने दिनों में काम करता है। लेक्चर चाहिए तो बस एक ही बात है कि जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, आपके 22,000 स्टूडेंट्स के होने के नाते, मतलब आपको इतनी तो सोचना चाहिए कि यार हम 22,000 लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, कंटेंट का फायदा ले रहे हैं, तो क्या आपके लिए बस में 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर भी नहीं है। चलिए यहाँ बात करते हैं रीजनिंग की। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला चैप्टर दिया है, क्यों? ये छोटा चैप्टर है, और जो ब्लड रिलेशन मैंने आपको कराया था उसके आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर इसके बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ब्लड रिलेशन कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, और मैं आप लोगों को बता दूं आपकी रीजनिंग लगभग 50-60% तक कवर हो चुकी है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैं खुद नहीं करा रहा हूं अभी, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि वो बोर्ड पे करवाऊं मैं खुद, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, काउंटिंग्स ऑफ फिगर, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे रैंकिंग वाला चैप्टर है, तो ये चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद कराऊं। आप लोगों का अगर साथ रहा तो जरूर से जरूर चीज़ें कराएंगे। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप, यार एक बात बताओ, मैंने एक वीडियो बनाई उस पर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, क्या लगता है आपको? आपने अगर रेस्पॉन्ड किया तो मेरे, आपको क्या लगता है कि मैं अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा? अरे जब मेरी वीडियो को रेस्पॉन्ड करोगे आप लोग, रेस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो तो कंपलसरी है मेरे लिए, कि भाई मुझे पता है कि जब उस वीडियो को प्यार मिल रहा है तो अगली वीडियो बनाओ उस पर प्यार मिलेगा, ठीक है। फिर चलिए बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज हार मत मानना। आप देखो ये टारगेट डे 13 हो गया, कल कल का 14 और करना है, फिर उसके बाद छुट्टी है। आप इन 14 दिन के टारगेट के बाद मुझे, मैं एक वीडियो जारी करूंगा, पोल करवाऊंगा, आप लोग जरूर से जरूर बताना कि आपके कितना इंप्रूवमेंट दिखा है 14 दिन के अंदर, आपके मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट दिखा है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिलहाल जितने भी टारगेट्स हैं, दिल लगा के आप इन टारगेट्स को पूरा करिए। मैं जैसे एनसीईआरटी वगैरह है, तो पहले तो मैं कहता था एनसीईआरटी के चैप्टर किसी से देख लो, अभी तो मैंने खुद प्रोवाइड करवा दिया आपको, करंट का भी, जैन धर्मा की भी वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जब इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता है कि यार आप सारे के सारे टारगेट को बहुत अच्छे से फॉलो कर सको। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और हार मत मानो, 1.5 महीने की बात है। इसके बाद अभी क्या है ना, कुछ बच्चे टारगेट, जैसे आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वो बेवकूफ़ी करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि यार मुझसे तो होते ही नहीं। आपको छोड़ना नहीं है यार, जब आपके पास 3 दिन बचेंगे, मैं सैटरडे संडे मंडे कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, तो आप उस दिन रिवीजन के साथ साथ पुराना टारगेट कंप्लीट नहीं कर सकते हो। मेरे टारगेट तो 4 ही दिन जा रहे हैं, उन्हें आप 7 दिन में कंप्लीट कर लो अगर आपको दिक्कत है तो, नहीं तो 4 दिन में टारगेट इतने ज़्यादा नहीं है भैया। हमने भी किया है, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, रात के 3-3 बजे तक पढ़ते हैं बच्चे, सुबह को 4-4 बजे तक, और आपका तो एक ही कर्तव्य होना चाहिए, जब तक ये टारगेट कंप्लीट नहीं तब तक मैं सोऊंगा नहीं, समझ आ गई? तब कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज तो भैया नौकरी लेने वाले सभी बैठे हैं, और आपको पता है इस टाइम पे आप वैकेंसी, मैंने कहा आप लोगों से आप 80,000 मान के तैयारी करो, तब जाके आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले पाओगे। टेक केयर, रजाई वाली बात का बुरा नहीं मानना, मजाक में बोल यार, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी चलती रहनी चाहिए ना। चलिए ठीक।